बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नातिया फूड। आज मैं आपको रसमलाई की रेसिपी देने जा रही हूँ। बड़ी क्विक और शॉर्ट रेसिपी है, चलें स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमें 3/4 कप सूखा दूध चाहिए। पाउडर मिल्क किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं और कोला भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून लेवल्ड हमें ऑयल चाहिए। 1 टेबल स्पून लेवल्ड सूजी चाहिए। 1 टेबल स्पून ही लेवल्ड हमें मैदा चाहिए। 1 टीस्पून लेवल्ड हमें बेकिंग पाउडर चाहिए और 1 अंडा चाहिए। इन सब की हम मिक्सिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रसमलाई के लिए जो दूध तैयार करना है वो हम चढ़ा देंगे। बस हम लेंगे मिल्क पैक या कोई सा भी इवेपोरेटेड मिल्क और 2 कप्स ही हम फ्रेश मिल्क यूज़ करेंगे। इसको हम हल्की आंच पे बॉयल होने के लिए रख देंगे। 3 हम छोटी इलायचियाँ, ग्रीन वाली इलायचियाँ पीस के इसमें डाल देंगे साथ ही, और 4 टेबल स्पून हम शुगर ऐड करेंगे। इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे जितनी देर में हमारी रसमलाई की डो तैयार हो। सबसे पहले मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। अब इसमें अंडा चला जाएगा, ऑयल, जस्ट इसकी मिक्सिंग करके डो रेडी कर लेंगे। ये गाढ़ा हो गया थोड़ा सा। अब इसमें मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर दूंगी। तकरीबन 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क इसमें जाएगा, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा रिच और अच्छा हो जाएगा। ये हमने छोटे छोटे बॉल्स बना के उनको थोड़ा सा प्रेस करके छोटी सी टिक्कियों की सूरत में इसको शेप दे दी। और एक मैंने बना के उसको टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे मैंने डाल दिया था दूध में कि वो फट तो नहीं रही, अगर उसकी कंडीशन ऐसी हो रही हो तो फिर बंदा उसके लिए अरेंजमेंट कर लेता है। अब हम उसमें ऐड कर देंगे दूध। ये जो हमने दूध में डाली है ये देख लें कितनी अच्छी सी फूल रही है। इसको तकरीबन हम हल्की आंच पे, मतलब मीडियम और लो के बीच में करेंगे, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं। अब इसमें डालेंगे और हम इसको पकाएंगे 15 मिनट दरमियानी आंच, हल्की से, थोड़ी सी तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा मीडियम में नहीं होगी। आफ्टर 15 मिनट्स ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और फिर डिश आउट करेंगे। इसको एक प्रोफेशनल टेस्ट देने के लिए हम फ्यू ड्रॉप्स केवड़े के डालेंगे। हमारी आज की रसमलाई की रेसिपी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल नादिया फूड को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।